हेलो एवरी वन टूडे वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ योर क्लास नाइन्थ दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेकिन टू बिगिन विद दिस चैप्टर सबसे पहले हम लोगों को ये सीखना है कि इक्वेशंस क्या होती है वी हैव टू कंसिडर वेरी केयरफुली कि वॉट इज द इक्वेशन क्योंकि जब भी हमारे को लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करनी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक वेरी वेरी केयरफुली अबाउट कि इक्वेशन क्या है फिर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है जो हमने प्रीवियस एट स्टैंडर्ड में पढ़ी थी देन वी मूव टू अर टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट द पार्ट कि इक्वेशन क्या होती है अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन वन और मोर अनन नोन क्वांटिटीज और वेरिएबल्स स्पेशली लिटरल वेरिएबल्स इज कोल्ड एन इक्वेशन तो वो स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का साइन होगा एक या एक से ज्यादा अनोन्स हो गए वेरिएबल्स हो गए स्पेशली लिटरल वेरिएबल्स का मतलब हो गया लाइक एक्स वाई जेड उन सब को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बोलते हैं तो दे ऑल आर जनरली कंसिडर हेयर एज इक्वेशन एग्जाम्पल के तौर पे 2x एक्स माइनस फाइव इक्वल टू थ्री इज दे वन ऑफ द इक्वेशन फाइव बाई टू एक्स माइनस नाइन इक्वल टू वन इज द अनदर इक्वेशन एक्सक्वायर प्लस वन इक्वल टू फाइव इज वन ऑफ द इक्वेशन सिमिलरली एक्स बाई थ्री प्लस फाइव इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस थ्री ये हमारे पास कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स है इक्वेशन के तो ये सब है स्टेटमेंट्स जिनके बीच में लगा हुआ है इक्वल टू का साइन और जो कंटेन कर रहे हैं एक या एक से ज्यादा अननोन वैल्यूज को अननोन क्वांटिटीज को और इस अननोन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेरिएबल्स एंड दीज वेरिएबल्स आर जनरली लिटरल वेरिएबल्स मीन्स अल्फाबेटिकल वेरिएबल्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं ये और ये सब मिलकर बनते हैं इक्वेशन तो इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इट ऑलवेज कंटेन अ साइन ऑफ इनक्वलिटी उसमें इक्वालिटी का साइन होने वाला है एन इक्वेशन हैज टू पार्ट जब भी आप किसी भी इक्वेशन को देखोगे तो हर इक्वेशन के दो पार्ट होंगे एक पार्ट जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे होगा और एक पार्ट जो इक्वल टू के लेफ्ट राइट साइड पे होगा तो एन इक्वेशन हैज टू पार्ट वन पार्ट विच इज लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेलिटी साइन इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है उसे लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे एल एच एस बोलेगे जबकि वो पार्ट जो इस इक्वेशन के राइट साइड पे है उसे हम सब बोलेंगे किसकी राइट साइड पे इक्वालिटी की राइट साइड पे है उसे हम बोलेंगे राइट हैंड साइड यानी कि आर एच एस तो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट यू विल से दैट दिस इज द आर एच एस बिकॉज इट इज ऑन द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द एल एच एस एंड इट विल वर्क फॉर ईच एंड एवरी इक्वेशन किसी में भी नोट डाउन कर लेना ऐसा ही चल रहा होगा कंसिडर करते हैं एक इक्वेशन एक यहाँ पे तो आप लोगों ने नोट किया होगा ये जो सिम्बल है दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वालिटी इसे बोलते हैं इक्वल टू वाले सिंबल को बोलती है सिम्बल ऑफ इक्वालिटी ऑन दी अदर एंड ये जो पोर्शन है विच इज ऑन द लेफ्ट एंड साइड ऑफ द इक्वल टू इज नोन एज एल एच एस एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज आर एच एस तो किसी भी इक्वेशन को देख के ये इजीली आइडेंटिफाई करना होता है कि उसमें एल कौन सा हिस्सा है आर कौन सा पार्ट है और इक्वल टू का साइन क्या इंडिकेट करता है जैसे आप है, कर LHS, RHS, equality, ही आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि दिस इज द एल एच एस डैट इज द आर एच एस एंड दिस इज द साइन ऑफ इक्वालिटी नाउ वी हैव टू रिजल्ट थिंक अबाउट द वेरिएबल्स वही वेरिएबल्स जो मैंने अभी बोले थे अननोन क्वांटिटीज वेरिएबल्स तो अननोन क्वांटिटीज यूज इन एनी इक्वेशन आर नोन एज वेरिएबल जो अननोन क्वांटिटी होती है जो किसी भी इक्वेशन में यूज की सक, की जा सकती है या की जाती है उन सबको हम वेरिएबल्स बोलते हैं दे आर डोनेटेड जनरली बाय द इंग्लिश अल्फाबेट्स स्पेशली लास्ट इंग्लिश अल्फाबेट एक्स वाई जेड ठीक है एंड सो ऑन तो ये जो जितने भी एग्जाम्पल थे ये सब इक्वेशन के एग्जाम्पल थे और इन सब में वेरिएबल एक्स था अब आती है बात हमारे इस चैप्टर की हेडिंग की क्योंकि चैप्टर की हेडिंग थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेबल तो मैंने अभी तक आपको बताया इक्वेशन क्या होती है तो आई थिंक यू आर इजिली डिसाइड नाउ कि इक्वेशन क्या है इक्वेशन इज द स्टेटमेंट इन विच वी हैव अ साइन ऑफ इक्वल टू एज वेल एज इट ऑल्सो कंटेन सम अन नोन क्वांटिटीज एंड दीज अन नोन क्वांटिटीज मे बी प्रेजेंट इन देयर लेफ्ट हैंड साइड मे बी प्रेजेंट इन देयर आर एच एस साइड और मे बी प्रेजेंट इन बोथ ऑफ दिस साइड लाइक यू कैन चेक हेयर ये दोनों तरफ भी प्रेजेंट हो सकती है इक्वेशन को कन्फर्म करने के बाद हमने डिस्कस किया वेरिएबल्स क्या होते हैं क्योंकि चैप्टर के अंदर वर्ड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक अबाउट इक्वेशन नाउ वी आर थिंक अबाउट दैट वेरिएबल कि वेरिएबल क्या है ऐसी कोई भी अननोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमें उस इक्वेशन से फाइंड आउट करनी है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं एंड इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एंड डोनाइटेड विद द सिंबल एक्स वाई जेड एंड सोन इसीलिए बेटा हम लोगों ने वेरिएबल को सीखा तो नाउ वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट इक्वेशन वी ऑल्सो नो अबाउट द वेरिएबल नाउ द टाइम कम्स टू डिस्कस अबाउट द वैल्यू लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं अब इक्वेशन से और स्पेसिफाइड कर देते हैं जैसे यहाँ तो इक्वेशन थी तो यहाँ पर ये यह कॉड्रेटिक भी आ गई थी डिग्री टू भी आ गई थी लीनियर इक्वेशन जैसे वर्ड लीनियर आता है तो जब भी कभी आपको ये वर्ड लीनियर दिखे तो प्लीज रिमेंबर दैट लीनियर ऑलवेज मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर वन होगी जिसकी डिग्री वन होगी तो लीनियर इक्वेशन मीन्स एन इक्वेशन इन विच अ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज वन ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वन होती है उसे लीनियर बोलते हैं होप्सो आपने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था आपने ये डिसाइड किया था तब कि ऐसा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री सिर्फ और सिर्फ वन होती है ना वन से छोटी ना वन से बड़ी एग्जाम्पल के लिए बेटा this is the one of the example of linear equation why i am saying that it is linear because when you check the degree of the variable in this particular equation you will observe that it is always 1 दैट इज वाई इट इज लीनियर वाई वी आर सेट इज इक्वेशन बिकॉज इट हैव अक्वल टू साइन इन द टू डिफरेंट आर्टिकल दो डिफरेंट टर्म्स के बीच में इक्वल टू ग साइन है दैट इज वाई इट इज इक्वेशन ऑल्सो तो दिस इज वन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हेयर वी हैव टू से दैट कि इसकी डिग्री वन है इसकी भी डिग्री वन है इक्वल टू गा साइन है यह एल एच एस पोर्शन है यह आर एच एस पोर्शन है इन अ वेरी सेम मैनर दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिस इज वॉट दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये सिर्फ एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इट कंटेन ओनली वन इंग्लिश अल्फाबैट दैट इज एक्स और सबकी डिग्री है वन ऑन द अदर एंड वेन यू थिंक अबाउट दिस सेकंड एग्जाम्पल हेयर तो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन वाई आई एम सीइंगेट इट इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन अ डिग्री ऑफ इट वेरिएन एंड वन ईच बट इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेकिन ये लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स की है क्योंकि इट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू कैन ईजिली ऑब्जर्व डैट कि इसने दो अननोन क्वांटिटीज को कंटेन किया हुआ है इसमें ऐसे दो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं जो डिग्री वन के साथ चल रहे हैं इसलिए इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा चैप्टर है इस साल इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जिसमें हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेकिन हम इसको स्टार्ट करने से पहले सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को हम प्रीवियस क्लासेस में कैसे टैकल करते थे हम इन्हें कैसे सॉल्व करते थे क्योंकि जब तक हमारे को इनके बारे के वो सभी पुराने बेसिक्स नहीं याद आएंगे इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू अस टू

देन वी कंसिडर दिएबल देन वी थिंक अबाउट द लीनियर इक्वेशन अगर ये सभी बेसिक क्लियर है तो हम हम इस चैप्टर को बिगिन करते हैं स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्टच आर रिलेटेड तो टू टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ना बेटा वी आर कंसिडर द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एज वी डिस्कस की ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं ये वही टॉपिक है जो आपने लास्ट ईयर एट स्टैंडर्ड में सीखा था क्यों हम इसे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जाएंगे तो हमें इसके बारे में पहले से कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए बिकॉज ऑफ दैट वी आर ओनली डिस्कसिंग दिस स्मॉल टॉपिक इन दिस चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन जनरल ऐसी कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी की फॉर्म में होती है इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सोच कहते हैं अब जरा आप सोच के देखो क्यों बोलते हैं इसे लीनियर इक्वेशन क्योंकि अगर हम ध्यान दे तो इसमें वेरिएबल है एक्स जिसकी पावर है वन तो ये डिग्री वन हो गई है और बींग डिग्री वन इट इज लीनियर एज इट ऑल्सो कंटेन इक्वल टू दैट इज वाई इट बिकम इक्वेशन तो डिग्री वन है इसलिए लीनियर है इक्वल टू का साइन लगा हुआ इसलिए है इसलिए इक्वेशन है इसलिए हमारे को हेडिंग मिल गई है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वन वेरिएबल क्योंकि बात आती है वन वेरिएबल वेरिए है उसमें इज एक्स तो ए बी सी पे रियल नंबर है और इस एक्स का कॉफिशेंट ए कभी भी जीरो नहीं होगा इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे तो यू हैव टू पॉइंट आउट थ्री बेसिक इंफॉर्मेशन हियर फर्स्ट इज दैट कि डिग्री वन है दैट इज इट इज लीनियर इक्वेशन बिकॉज ऑफ इक्वल टू वन वेरेबल बिकॉज इट कंटेन ओनली वन अन्ट वनोन टर्म इज नॉन एज एक्स बिकॉज ऑफ दैट इट इज कंसिडर्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरेबल एंड वी हैव सब एग्जाम्पल कनेक्टेड टू इट थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन इज ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरेबल क्योंकि इट ऑल्सो कंटेन वन वेरेबल ओनली हैविंग अ डिग्री वन ऑल्सो है इक्वल टू तीनों बातें चेक करके चले गए कौन कौन सी तीन बात कि डिग्री वन है तो लीनियर कन्फर्म हो जाएगा इक्वल टू है तो इक्वेशन कन्फर्म हो जाएगी और सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है यानी कि एक ही अननोन है सिंगल अननोन इज देयर तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया एंड दीज आर बेसिक एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन थ्री बाई टू एक्स प्लस नाइन इक्वल टू हाफ वाई बाई थ्री प्लस वाई माइनस टू बाई फोर इक्वल टू फाइव ऑल दीज थ्री आर हेयर कंसिडर एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरेबल नॉट द टाइम्स कम टू थिंक एंड चेक हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो सल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेश इन वन वेरेबल के लिए हमें क्या प्लान करना होगा द वैल्यू ऑफ वेरेबल विच वेन सब्सटीट्यूटेड इन अ इक्वेशन वेरिएबल मीन्स अन मीन्स एक्स वाई जेड जब हम यहाँ पे वेरिएबल के वैल्यू इसमें सब्सिट्यूट करते हैं जिससे कि एल और आर एक दूसरे के इक्वल आ जाता है वो दोनों ही पार्ट को सेटिस्फाई कर देता है तब हम उस वैल्यू को इसका सल्यूशन या फिर इसका रूट बोलते हैं इट इज़ अ सल्यूशन और अ रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस क्लियर ये जीरोज भी बोले जाते हैं तो व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऐसी वैल्यू वेरिएबल की द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइड विच वेन सब्सटीट्यूटेड इन द इक्वेशन मेक एल एच एस इक्वल टू इट्स आर एच एस इज सेट टू बी आर सेटिस्फाइड द इक्वेशन इज कोल्ड अ सोल्यूशन और आ रूट्स और आर जीरोज ऑफ आ इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपके लिए एग्जांपल ले लिया यहाँ पे सपोज करो मेरे पास इक्वेशन है 2x 3x थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन की वो कौन सी वैल्यू है जो इसके एल और आर दोनों को सेटिस्फाइड करेगी तो अगर हम ध्यान से समझे इस चीज को नोट करें तो हमें ये कन्फर्म आ रहा है पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एस थ्री तो ही मैंने थ्री पुट किया एल में थ्री इन टू थ्री माइनस टू नाइन माइनस टू ये सेवन आ गया एंड विच इज इक्वल टू इट्स आर एच एस इट्स सेल्फ और जो इसके आर एच एस के इक्वल आ गई है तो देयर फॉर वी कैन से दैट कि ये जो एक्स आया है हैल टू थ्री इज अ सोल्यूशन इज अ रूट और इज अ जीरो ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन ये गिवन लीनियर इक्वेशन का जीरो है उसका रूट है उसका सल्यूशन है तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात भी बहुत जल्दी से याद आ गई होगी क्योंकि आपने कभी एट्थ क्लास में ऐसा सब कुछ सीखा था अब आती है कहते हैं कोई भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ऑलवेज ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो शर्त यह है कि ए और बी दोनों रियल नंबर होंगे वो जो कॉफिशेंट ऑफ एक्स होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा तो यहां से अगर मुझे कभी भी x की वैल्यू निकालनी है तो वट यू नीड टू डू हेयर बी इक्वल टू जीरोक्वल टू माइनस बी अपॉन ए तो हम इस तरह से बाई मेकिंग शिफ्टिंग इन अवर इक्वेशन इजली फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इज आ इसे ही बोलते हैं हम लोग इज आ सोल्यूशन यू विल से रू ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरेबल तो ये जो गिवन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरेबल है ये उसका रूट है अब आप सोच रहे हो गे मैंने यहाँ पे नाइन या थ्री कैसे प्लान किया था आई एम प्लानिंग दैट थ्री इन अ वेरी सेम मैनर मैंने जल्दी से मन के अंदर देख सोचा कि ये थ्री एक्स इक्वल टू सेवन प्लस टू होगा एज़ आई थिंक यू नो दैट ऑल रूल्स शिफ्टिंग रूल्स आपको जरूर याद हो गए कि जो यहाँ नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा एंड इट इज़ फाइनली गिव यू वैल्यू थ्री एक्स इक्वल टू नाइन फिर आप दोनों तरफ थ्री से डिवाइड कर लोगे एंड इन देंड यू विल गेट दल्यूशन और रूट्स और जीरोज ऑफ दिसर इक्वेशन एज थ्री तो दिस इज दन ऑफ द वे

अब आपके सामने मैं तीन बेसिक बातें रख रहा हूँ जो मेरी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से यहाँ पे कनेक्टेड है और ये बहुत इजी भी है और ऑलमोस्ट तुम सबको सब आता भी है क्योंकि व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दिस इज दन ऑफ द टॉपिक दिस इज वन ऑफ द पार्ट जो हम कभी एट्थ स्टैंडर्ड में या लोअर क्लासेस में सीख के आया है तो ये जो रिमार्क है मेरे पास उसमें सबसे पहला रिमार्क है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर जो भी सोल्यूशन निकलता है वो बिल्कुल यूनिक निकलता है जैसे मैंने कहा इसका सोल्यूशन थ्री है तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना हजारों नंबर डाल के देख लेना सिर्फ और सिर्फ थ्री ही इसका एक फाइनल आंसर आने वाला है उसके अलावा और कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं होगी इस एक्स की जो इसको सेटिस्फाई करे एज अ रिजल्ट जब भी हम लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर हमेशा यूनिक आता है यूनिक से हमारा मतलब है वन एंड ओनली वन सोल्यूशन हमेशा फिक्स आंसर आता है फिक्स रिजल्ट आता है सिंगल वैल्यू आती है चाहे आप किसी भी मेथड से उस वैल्यू के लिए सोचो दूसरी बात अगर हम लीनियर इक्वेशन पे वर्क कर रहे हैं वी कैन ऐड एंड सपरेक्ट सेम नंबर फ्रॉम ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपको कि दोनों तरफ टू ऐड कर दो तो ये टू उधर जाने का मतलब है हमने दोनों तरफ टू ऐड कर दिया इसलिए हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में किसी भी फिक्स नंबर को दोनों साइड ऐड या सपरेक्ट कर सकते हैं इवन हम उसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं किसी भी सेम नंबर से लेकिन वो नंबर हमेशा नॉन जीरो नंबर होना चाहिए नॉन जीरो मतलब जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना बस उसके अलावा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो दीज आर थ्री स्मॉल बेसिक इन्फॉर्मेशन विच आर कनेक्टेड टू द पार्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ देम कि जो हमारे पास आंसर आने वाला है जो हमारे पास सोल्यूशन आने वाला है जो हमारे पास रूट्स आने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के वो हमेशा यूनिक हो गए और सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकलेगा दूसरी बात हम किसी भी लीनियर इक्वेशन की दोनों साइड पे कुछ भी एड एंड सब्टेक्ट कर सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ दैट एडिशन एंड टू बोथ ऑफ दिस साइड नेवर चेंज द वैल्यू ऑफ आवर सोल्यूशन थर्ड पार्ट इसी तरह से हम दोनों तरफ कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं द शर्त इज दिस द ओनली कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर वॉट इज दैट कि वो मल्टीप्लाई हमेशा नंबर no होना चाहिए नाउ वी ट्राई सम क्वेश्चन इक्वेशन इन वन वेरेबल नाउ बेटा कंसिडर करते हैं कुछ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन दंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओनली एंड हेयर वी हैव दर्स्ट फ्रॉम दैन वेरीफाई करो एक्स इक्वल टू फोर इसका सोल्यूशन है तो आप बच्चों ने देखा वी हैव अ इक्वेशन हेयर एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू फाइव ये मेरे पास एक गिवन इक्वेशन है टू वेरीफाई दिस पार्ट हेयर वी टेक द एल एच एस विच इज टू एक्स माइनस थ्री एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज फोर हेयर सिंस एक्स इक्वल टू फोर इज गिवन टू अस बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन दिस इक्वेशन एल एच एस साइड ऑफ दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग द वैल्यू एज फाइव and which is quite equal to its RHS. So therefore, it is clear that क्या clear हो गया हम लोगों को It is clear that x equal to four is a solution of given equation. जो given linear equation है ये x equal to फोर उसका solution है तो है ना बहुत ही simple सा concept जो कभी आपने सीखा था previous classes में लोअर क्लासेस में अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे एंड दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अगेन बेस्ड ऑन द वी डिस्कस इन डिस रिमार्क ओनली इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी नीड टू सॉल्व द वैल्यू हेयर यू हैव टू से सॉल्व सॉल्व मतलब एक्स की वैल्यू निकालो वेरिएबल की वैल्यू निकालो अन की वैल्यू निकालो एंड हमने चार रूल्स पढ़े थे कि अगर इसको करना है तो टू इधर शिफ्ट कर दो तो वर यू से सेपरेट बोथ साइड्स बाय टू और हमने यहाँ डिस्कस किया था देखो लिखने की ज़रूरत नहीं है पर आपको बेसिक समझ आ जाए दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग दीज बेसिक टर्म्स इ क्योंकि हमने सीखा था अभी जब हम रिमार्क पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कि हम दोनों तरफ कुछ भी सपेक्ट करते हैं तो इक्वेशन को फ़र्क नहीं पड़ता है तो जैसे कि आपने नॉर्मली सोचा कि ये टू उधर जाके माइनस होना है तो आप लिख दोगे तो भी कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी और हमारे को लिखे हुआ लॉजिक वो रूल समझ आ जाएगा एंड टू अपटेन दैट वैल्यू एक्स हमने ये भी सीखा था कि हम दोनों तरफ किसी भी कॉन्सेंट से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन वो नॉन जीरो होना चाहिए तो वी हैव टू डिड इट बाई थ्री और एज अ रिजल्ट इट इज थ्री एक्स बाय थ्री नाइन बाय थ्री द वैल्यू ऑफ एक्स वी आर गोइंग टू कैल्कुलेट हेयर इज थ्री तो माई डियर स्टूडेंट वी कैन से दैट दिस इज द रिजल्ट ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट प्लीज रिमेंबर हेयर वेरी केयरफुल अबाउट द पार्ट 3x plus 2 equal to 11 is the one of the linear equation in one variable given to us. And to make the simplification of x, to find out the solution of x, to get the result of x, we have to make some adjustments like 2 ko the shift karnata, and this 2 is moving there with the help, uh, help of subtraction. तो वी हैव टू मैंशन वाई आई एम राइटिंग जस्ट टू रिमेंबर डैट जस्ट टू क्लियर डैट कि अगर हम लीनियर इक्वेशन के दोनों तरफ कुछ प्लस कुछ माइनस कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करते हैं तो हमारे रिजल्ट को हमारी इक्वेशन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये मेरे को यहाँ से मिल गया x इक्वल टू थ्री इज आ सोल्यूशन और जीरोज ऑफ गिवन इक्वेशन तो इस तरह से बेटा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा नाउ वी आर वर्किंग टू अ सेकेंड पार्ट फाइव बाई टू इक्वल टू सिक्सर ऑब्जर्विंग नंबर सेकेंड ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज अगेन वेरी वेरी क्लियर टू अर्स की यह फाइव बाई टू उधर जाना है और एड होना है तो वट यू नीड टू डू टू से सीधा लिख दिया मैंने कि फाइव बाई टू को दोनों तरफ एड कर दो और बेटा आप नहीं भी लिखोगे तो वॉट दिस फाइनली मीन्स कि आपको फाइव बाई टू को सेकेंड साइड पे शिफ्ट करना है बस इट इज़ वन बाय थ्री एक्स एंड हेयर इट इज़ ट्वेल्व प्लस फाइव अपोन टू दिस इज द वे टू मेक अ सिम्पलीफिकेशन इन अवर गिवन क्वेश्चन अब बेटा जो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया वो आ गया एक्स अपोन थ्री एक्स अपोन थ्री सेवनटीन अपोन टू now finally to get the final answer of this part here we also need to shift this three to another side and to make that shifting we have to say that multiply both sides by multiply both sides both sides by 3 so here it is 3 into x by 3 17 upon 2 into 3 the answer we are going to calculate is 51 upon 2 तो 51 वन अपॉइंट टू इज द वैल्यू इज द रिजल्ट इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन तो माई डियर सूर यू आर नाउ इन अ पोजिशन टू से डैट कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम दोनों तरफ कुछ भी ऐड करेंगे तो चलेगा कुछ भी सप्लेक्ट करेंगे तो चलेगा कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा इवन कुछ डिवाइड करोगे तो भी ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा उम्मीद कर रहा हूँ ये जो फर्स्ट टू पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर टू के ईजिली क्लियर हो गए होंगे आप सभी बच्चों को नाव वी आर मूविंग टू आर क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट नंबर थर्ड क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था अब जो पार्ट नंबर थर्ड है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का उसमें मेरे पास इंफॉर्मेशन है x अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस थ्री और मुझे x का सोल्यूशन चाहिए तो साफ साफ समझ आ रहा है थ्री को उधर शिफ्ट करना है एल एच एस से आर एच एस में कोई भी टर्म शिफ्ट करने तो अपोजिट नेचर की जाती है डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा एंड ऑन तो वट यू नीड टू सेयर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय थ्री तो ऐसा करते ही जैसे मैंने दोनों तरफ थ्री से मल्टीप्लाई कर लिया वी आर ऑबटेनिंग दैट एक्स इक्वल टू माइनस नाइन इज़ अ सोल्यूशन बस मल्टीप्लाई करते समय या डिवाइड करते समय इतना जरूर ध्यान रख लेना कि वो नंबर जो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे अपने क्वेश्चन में दैट नेवर बी अ जीरो वो जीरो नहीं होना चाहिए तो इसका सोल्यूशन आ गया माइनस नाइन ओरली भी समझ आ रहा था कि माइनस नाइन डालेंगे तो एल एच एस आर एच एस इक्वल होगा आपको

टू एक्स बाय टू सेवन बाई टू एंड इन दिकम सेवन बाय टू इज अ सोल्यूशन तो एक एक करके मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड के चारों पार्ट्स को सिम्पलीफाई किया एज वेल एज आफ्टर मेकिंग दैट ऑल सिंप्लीफिकेशन वी ऑब्जर्व डैट की हमने एड भी किया सेपरेक्ट भी किया मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया इवन ऑल्सो वी आर गेटिंग द सोल्यूशन ऑफ अवर गिवर लीनर इक्वेशन इन वनवरिएबल आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टॉपिक के इक्वेशन क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं नाव वी आर मूविंग टू फाइनल हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर जो इस चैप्टर का नाम भी है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सबसे पहले इस बात पर फोकस करते हैं क्योंकि जितना बेसिक आपने अब तक इस चैप्टर में सीख लिया है मुझे उम्मीद है भी इस हेडिंग का मतलब आप खुद भी बना सकते हो लीनियर अगेन मीन्स अ इक्वेशन जिसकी डिग्री वन है इक्वेशन जिसमें इक्वल टू है टू मीन्स हेयर वी हैव टू अन वैल्यूज टू वेबल्स आर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ कोई भी इक्वेशन जो कभी आपको ऐसी दिख जाए ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जीरो हो सी इधर की तरफ हो या फिर ए एक्स प्लस बीवाई इक्वल टू सी या तो ऐसे हो सकते इक्वेशन या ऐसे हो सकते हैं इक्वेशन ऐसी दोनों इक्वेशन में हम इन दोनों ही इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं पॉइंट्स कम वाई वी आर कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका रीजन भी एक एक करके चेक कर लेते हैं व्हेन यू ऑब्जर्व बोथ ऑफ द इक्वेशंस वेरी वेरी केयरफुली यू ऑब्जर्व डेट कि एक्स की डिग्री वन है वाई की डिग्री वन है इन बोथ ऑफ द इक्वेशन और अगर कभी भी हमारे वेरिएबल की डिग्री वन होती है मैक्सिमम डिग्री वन होती है तो वो लीनियर होती है इज दिस श्योर देन एज इट ऑल्सो हैव अ इक्वल टू साइन इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन मेरे पास इक्वल टू का साइन है इक्वल टू का पार्ट है एल एच एस के साइड में भी एक वैल्यू है लेफ्ट एंड साइड पर भी एक वैल्यू है राइट हैंड साइड पर भी एक वैल्यू है दैट इज बाय इज एन इक्वेशन तो लीनियर हुई डिग्री बना है इक्वेशन हुई इक्वल टू का साइन है नाउ द टाइम्स कम फॉर द वैल्यू टू वेबल बिकॉज इट कंटेन टू वरेबल वन इज एक्स अनादर इज वाई तो डैट इज बाय माई डियर स्टूडेंट इट इज फाइनलाइज एंड सिंप्लीफाई दैट कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेबल है तो हमने देखा कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी की फॉर्म में हो या ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में हो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कंडीशन क्या है ए बी सी चारो ए बी सी तीनों रेयर नंबर होने वाले हैं लेकिन ए और बी जीरो के इक्वल नहीं आएंगे तो ए बी सी तीनों के तीनों रेयर नंबर होने वाले हैं ए और बी कभी भी जीरो नहीं होंगे क्योंकि अगर ये दोनों जीरो हो गए सोच के देखिएगा अगर ए जीरो हुआ तो एक्स गायब हो जाएगा b जीरो हुआ तो y गायब हो जाएगा और ये टू वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं रहेगी तब और x और y यहाँ पे इसके वेरिएबल्स हैं डेट इज वाई इट इज कंसिडर एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एग्जाम्पल देने हैं तो नंबर ऑफ वेज आर दे टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो टू एक्स चलिए थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू फिफ्टीन तो ऐसे बेटा आप कितनी भी इक्वेशन सोच सकते हो एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव x minus y equal to सेवन and so on. The only point to be रिमेंबर in these all equations is that कि जब हम इन सभी equations पे केयर कर रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं बहुत आराम से कि इन सभी equations में a बी और c तो real number है x और y इसके दो unknowns हैं और x और y के degree वन होने की वजह से ये linear है थ्री by टू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री वाई इक्वल कुछ भी बेटा ऐसे रेंडम एग्जाम्पल्स मैं लिखता चला जाऊंगा और ऐसे इन्फिनाइट इक्वेशन मैं आपके सामने रख सकता हूँ जिन्हें हम सब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे क्योंकि इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स इन ऑल ऑफ दीज पार्ट्स वी हैव टू तो वेरी वेरी केयरफुली ऑब्जर्व दैट कि ऑल ऑफ दीज टू पार्ट्स ऑलवेज हैव टू वेरिएबल्स इन सब में दो वेरिएबल्स हैं जैसे जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए उन सब में वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई और सबकी डिग्री वन है और एज अ रिजल्ट डिग्री वन वेरिएबल टू तो इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और ज़रूरी नहीं है एक्स और वाई आई योर इक्वेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोर पी माइनस थ्री क्यू इक्वल टू सेवन तो ये भी लीनियर इक्वेशन है बस इसमें जो वेरिएबल है वो पी क्यू है ऐसे बेटा ऐसा भी हो सकता है टू टी प्लस थ्री एस इक्वल टू हंड्रेड इसमें जो वेरेबल है T और S है तो वॉट आई एम पॉइंट टू बी रिमेंबर हेयर वॉट यू नीड टू रिमेंबर हेयर कि यहाँ पे दो कोई भी अन नोन और उन सब सबकी डिग्री वन होगी और दैट इज़ वाई दे ऑल आर हेयर कंसिडर एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरेबल

को कंटिन्यू करना है अगर सच सोचो सच मानो तो चैप्टर अब शुरू हुआ है हमारा अब तक जो कुछ हमने पढ़ा इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो सब वो से, वो सी, वो सब जो कभी हम अपनी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आए हैं अब आती है बात सोल्यूशन अब ये इसलिए ईजी लग रहा है क्योंकि आप अभी बेसिक्स में से पढ़ के इसी लेक्चर में सीख चुके हो ऐसी कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन कोई भी x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी वो जो मीन बाय सेटिस्फाई कर देगी सेटिस्फाइंग मीन्स इट मीन्स डैट कि जब हम x और y की वैल्यू को एल में पुट करेंगे तो इट्स इक्वल टू इट्स आर एच एस देन दैट वैल्यूज ऑफ x एंड y इज नोन एज सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ठीक है तो जैसे मैं अभी पहले आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव है और मैंने कहा सिंस एस अगर मैं एक्स को टू ले लूँ और वाई को थ्री ले लूँ तो बताओ जरा इसके आर एच एस में क्या आएगा इट इज टू प्लस थ्री वी गेट अ फाइव विच इज इक्वल टू इट्स आर एच एस तो देअर फोर वी कैन से दैट टू और थ्री इसका सल्यूशन है इज दल्यूशन बात समझ आ गई तो x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है उन वैल्यूज ऑफ x और y को हम यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं देर इज़ टू इंपॉर्टेंट रिमार्क जो आपको इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में कंसिडर करने हैं पहला कि जो सोल्यूशन निकलेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का उसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे गए कॉर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर थ्री में हमने डिस्कस किया था वट इज ऑर्डर डिपेयर इट मींस अगर मैंने कहा टू और थ्री इसका आंसर है तो हेंस इट कैन बी रिटर्न इन दिस मैनर टू कॉम आ थ्री इज अ सल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन तो इस तरह से हम उसे ऑर्डर पेयर में लिखते हैं बेटा इट इज अंडरस्टूड वेन बी राइट दिस आंसर इन अर्डर पेयर जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वेरिएबल के लिए होगी और जो सेकेंड वैल्यू है वो सेकंड वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगी और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन है अरे ये क्या कह दिया इन लोगों ने पीछे तो जब हम वन सोल्यूशन पढ़ रहे थे तब तो कह रहे थे कि सिर्फ यूनिक सोल्यूशन होता है वन एंड ओनली वन सोल्यूशन होता है लेकिन इस बार इन्होंने ये कह दिया कि, कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक से ज्यादा नहीं इंफिनाइट इन्फिनिटी तक अनोन जितने आप सोचना चाहो उतने आंसर्स हो सकते हैं तो आप कहोगे जरा प्रूव करके दिखा देना तो देखो कैसे मैंने पहला आंसर आपके सामने रखा कि टू थ्री इसका सोल्यूशन है बेटा अगर आप इसमें x को वन y को फोर ले लोगे देन ऑल्सो ये एल को आर के सेटिस्फाई करवाएगा तो ये भी एक और सोल्यूशन बन गया कि वन फोर भी इसका सोल्यूशन है इज अ सल्यूशन तो एक से ज़्यादा तो कन्फर्म हो गया अगर आपको लगता है और कौन सा हो सकता है वन फोर हो गया टू थ्री हो गया थ्री टू हो गया फोर वन हो गया फाइव जीरो हो गया इवन बेटा मैंने ले लिया एज एक्स इज माइनस थ्री वाई इज एक्स को मैंने माइनस थ्री ले लिया वाई को एट ले लिया देखो मैं क्या कर रहा हूँ एक वैल्यू ले जा रहा हूँ उधर भेज के माइनस किए जा रहा हूँ तो ये जो वैल्यू आएगी ये भी एल एच एस में अगर आप पुट करोगे तो वो उसके आर एच एस को सेटिस्फाई करेगी तो इस तरह से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन के अंदर इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशनस हो सकते हैं तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल वन वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता था इसलिए उसे बोलते थे कि उसका सोल्यूशन उसके रूट्स, उसके जीरो यूनिक है जबकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमारे पास एक से ज्यादा सोल्यूशंस हो सकते हैं एक्स और वाई के नंबर ऑफ पेयर्स हो सकते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ पेयर्स हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को या किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो इस तरह से आपने अभी मेरे साथ सोचा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होते हैं इन सबको लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों ही वेरिएबल के जो डिग्रीज है वो वन है और इसमें दो अननोन्स प्रेजेंट है दैट इज वाई ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिनी जाती है और ए बी सी यहाँ पे होता है और शर्त यह है कि एक्स और वाई के जो ये कॉफिशेंट्स हैं ये कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर ये जीरो हो गए तो ये इंडिकेट करेगा कि ये वन वेरिएबल में चला गया है और ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे थे फिर दूसरी बात आते है कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दिस फाइनलाइज हेयर इंडिकेट हेयर आर सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच वेन वी पुट इन दी एर एस साइड ऑफ दिस इक्वेशन अस अ वैल्यू विच इज इक्वल टू इट्स आर एच एस एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज है जो एल में रखने के बाद उसके आर के सेम आ रही है आर से इक्वेट हो रही है और ऐसी ही वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है उन सबको हम इसका सोल्यूशन बोलते हैं और जनरली इसके सोल्यूशन को हमेशा ऑर्डर पेयर में देखते हैं और इसके सोल्यूशन इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं जिसके लिए मैंने आपके सामने ये छोटा सा एग्जाम्पल रखा था और अभी तो और भी वैल्यूज़ आप सोच सकते हो प्लान कर सकते हो और यू विल गेट दी डिफरेंट आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन टू नाव बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज अगेन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है जिसमें लिखा है शो दैट एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन एज वेल एज एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू फाइव इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन सो सिंस द गिवन इक्वेशन इज अगर आप गिवन इक्वेशन को ध्यान दोगे तो आपको एक बात कन्फर्म हो जाएगी इट इज़ फोर एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो विच इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या आप बच्चे ये आइडेंटिफाई कर पाए आराम से कि ये टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स भी है इसमें वाई भी है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है जस्ट इट इज इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होने की वजह से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है एंड इट इज क्लियर फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन दैट कि अगर टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है तो इसके इंफिनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं तो सिंस वी हैव टू चेक फोर फॉर द फर्स्ट पार्ट कि अगर एक्स वन और वाई वन है देन वट वी हैव टू डू वी टेक द साइड ऑफ दिस इक्वेशन फोर इन टू वन वाई की जगह वन माइनस थ्री फोर माइनस वन माइनस थ्री फोर माइनस फोर विच इज इक्वल टू जीरो तो इट इज क्लियर डेट कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ गई है वो आर के इक्वल आ गई है तो हेंस टू आर एच एस देयर फोर एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन इज आ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन तो ये जो इक्वेशन मेरे पास यहाँ गिवन थी उसका ये सोल्यूशन है और मैंने बेटा अभी आपको बताया था कि इन द केस ऑफ लीनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वी हैव नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऐसे इन्होंने सेकेंड पार्ट भी दे रखा है वी गो फॉर दैट पार्ट ऑल्सो इन विच वी हैव टू टेक इफ एक्स इज टू इज फाइव देन इन द एल एच एस साइड वेन वी सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज हेयर इन द इक्वेशन फोर इंटू टू इट मीन्स एक्स इज रिप्लेसिंग बाई टू वाई इज रिप्लेसिंग बाय फाइव एंड वी आर ओपेनिंग टर्म एस फोर इन टू टू वाई के का फाइव लिख दिया विच इज इक्वल टू थ्री एट माइनस एट विच इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू आर एच एस हैंड वी आर अगेन इन अ पोजिशन दैट एल एच एस एक बार फिर से आर एच एस के इक्वल हो गया इसलिए एक्स इक्वल टू टू वाईक्वल टू फाइव दिस इज ए वे टू राइड इन अर्डर पेयर इज अल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन तो इस तरह से बेटा ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ये जो दो, दो वैल्यूज दे रखे हैं दो पेयर्स दे रखे हैं दो रूट्स दे रखे हैं वो दोनों के दोनों वैल्यूज रूट्स इस गिवन इक्वेशन के सोल्यूशन है अगर आपके टीचर आपसे कहते है क्या इसमें और भी कोई सोल्यूशंस हो सकते हैं तो ऑफकोर्स आप ये कह देना देयर आर इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन मैडम जी ये तो सिर्फ दो ही सोल्यूशन है आप चाहो तो इससे ज़्यादा सोल्यूशंस भी निकाल सकते हो क्यों क्यों निकाल सकते हैं क्योंकि इट इज़ दी वन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इफ आ इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इट ऑलवेज हैव इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन तो उसके दो पेयर क्या हजारों पेयर क्या लाखों पेयर क्या अनगिनत अनकाउंटेबल पेयर्स हो सकते हैं इन्फिनाइट पेयर्स हो सकते हैं तो इस तरह से बेटा हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज़ बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ अवर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे च ऑफ दक्वेशन है सोल्यूशन एंड इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन लो जी यह क्या पूछा इन्होंने हमसे किसका सोल्यूशन यूनिक है किसका सोल्यूशन इन्फिनाइट है तो हमने यह अभी पीछे रिमार्क में पढ़ा था वी नो दिस रिमार्क डेट कि इफ लीनियर इक्वेशन क्या पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वनवरेबल हैज यूनिक यानी कि हैज अ यूनिक वन एंड ओनली वन सोल्यूशन ये तो कंडीशन किसकी थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई तो उसके यूनिक वन एंड ओनली वन सोल्यूशन हो गए ऑन दी अदर हैंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिल गई अगर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो गए तो इट हैज इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन तो उसके इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन आने वाले हैं और हमारे क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है कि कौन सा यूनिक है कौन सा इन्फिनाइट मैनी है तो वेन यू चेक द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ पार्ट क्वेश्चन फोर्थ का पार्ट फर्स्ट चेक करते हैं तो इट इज क्लियर दैट इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरेबल ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरेबल है हैं इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन इसलिए बेटा इसका यूनिक सोल्यूशन है कैसे कंफर्म हुआ ये वन वेरिएबल है बिकॉज इट कंटेन ओनली सिंगल अनोन इसने सिर्फ एक्स को कंटेन किया हुआ है अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो इसमें एक्स भी है वाई भी है तो वी कैन से दैट इट इज थ्री एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शिफ्टिंग दिस इक्वेशन हियर i am shifting this y to another side and after making this arrangement we are saying that it is 3x minus y plus 2 equal to 0 which is one of the linear equation in two variables so beta a a linear equation in two variables here. therefore it has infinitely many solution so what do you say कि जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन जैसे ही एक बार इक्वेशन को ऑब्जर्व करो और इक्वेशन को ऑब्जर्व करने के बाद उसके नेचर को डिसाइड करो कि अगर वो सिंगल वेरिएबल है मतलब अगर वो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है तो वो वन वेरिएबल है अगर वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में है तो वो टू वेरिएबल है एज अ रिजल्ट सेकेंड पार्ट हेयर इंडिकेट दैट कि इट इज दी वन ऑफ द लीनर इक्वेशन इन टू वेबर्स बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेड एट इसके इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस है इट हैज इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस अब बात होती है थर्ड पार्ट की थर्ड पार्ट में सबसे पहले ये ऊपर जाएगा क्योंकि वी नीड टू मेक अ शिफ्टिंग है एंड देन वी हैव अ इक्वेशन टू वाई माइनस वाई इक्वल टू जीरो और बेटा सी नहीं आएगा कोई बात नहीं क्योंकि हमने बेसिक में पढ़ा था ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए कॉन्स्टेंट जीरो हो सकता है तो ए एक्स माइनस टू वाई देखो मैंने इसे वाई को इधर शिफ्ट करके इक्वल टू जीरो रख दिया विच इज अगेन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो बेटा ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल निकली क्योंकि टू एक्स माइनस वाई इसमें एक्स भी है वाई भी है दो वेरिएबल है दोनों की डिग्री बन है लीनियर है इक्वल टू का साइन है इक्वेशन है दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैंस वी कैन से दैट इट ऑल्सो हैव इट ऑल्सो हैज इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन्स तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया ये चेक किया कि हमारी गिवन इक्वेशन का नेचर क्या है अगर उसका नेचर वन वेरेबल था तो हमने बोल दिया उसका यूनिक वन एंड वन ओनली वन सोल्यूशन होगा अगर उसका नेचर टू वेरिएबल था मीन्स लीनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थी तो हमने ईजिल डिसाइड करके बोल दिया कि उसके जो सोल्यूशन्स निकलेंगे वो एक से बहुत ज़्यादा निकलेंगे और इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन निकलेंगे तो इस तरह से आज का लेक्चर हम यहीं पर ही कम्प्लीट करते हैं जिसमें हमने सीखा इक्वेशन क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है और उसके सोल्यूशंस कैसे निकाले जा सकते हैं फिर हम लोगों ने सीखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है हमने हमने आइडिया लिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कि वो क्या होती है उसके सोल्यूशन्स कितने हो सकते हैं वो कैसे कैलकुलेट हो गए वो आज हमने नहीं सीखा वो आने वाले लेक्चर्स में सीखे क्योंकि अगर हमारे को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इन्फिनाइट सोल्यूशंस निकालने हैं तो हाउ वी प्लान फॉर दैट बट हमने आज उसके सोल्यूशंस कैसे नेचर के होते हैं वो सीखा और इवन जब हमें सोल्यूशन पता थे तो हमने चेक करना सीखा कि वो वैल्यूज एक्स और वाई की उस सोल्यूशन का पार्ट है या नहीं है